कोई पैसा नहीं देगा मुझे, ठीक है, मांगूंगी तो भी कोई नहीं देगा, मेरा मेरे बच्चे छोटे हैं, सबके बच्चे खवार हैं सर, इसलिए सब चुप बैठे हुए हैं, मैं कहाँ से करूँ, लेकिन किससे मांगूँ? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब जो है गवर्नमेंट ने अभी सैलरी नहीं भेजी तो? सर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं मुझे ये पता है सर कि मैं अपना घर नहीं चला पा रही। तो ऐसी स्थिति में जो हो क्या? तब मुझे पता है हमारे सेंटर में बैठ के दिल्ली के ऑफिस में ऑफिसरों को तनख्वाह दी गई, क्यों दी गई, वो कितना काम करते हैं, उनकी तनख्वाह छोड़ी जाती है तो सर ग्रुप सी डी के लोगों को तो सैलरी मिल जाती है। हम लोग के पास सर एक महीने का किसी आम आदमी का खर्चा 20 से 25 हजार है, हमारी तनख्वाह उतनी कट के आती है हमारे पास, उनकी तनख्वाह कटने के बाद भी 80 हजार 70 हजार रुपये उनके पास जाती है, उनके कितने खर्चे हैं, उनको तो सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो टैक्सी का किराया मिलता है, हम तो कहीं जाते हैं तो ऑटो बुक करके जाते हैं, हर चीज का पैसा हम देते हैं, पूरे घर का सामान बेच चुकी ना सर, तो भी 30 हजार रुपए एक महीने की सैलरी इकट्ठी नहीं कर पाऊंगी। आपके कितने बच्चे हैं? दो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर दोनों, फीस गई नहीं गई इस बार? अभी कहां सर, खाने के नहीं है पैसे सर, सीरियसली खाने के पैसे नहीं है घर में,